हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सेम रहेगा। आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दी हुई है तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ओनली सिलेबस ही बताने वाली हूँ। ठीक है, तीन पेपर हैं आपके थर्ड ईयर के अंदर। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट होगा आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, पेपर सेकंड होगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का, और पेपर थर्ड होगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, और फोर्थ आपका लगता है प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मार्किंग दी हुई है। तीनों पेपर आपके 50-50-50 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल है आपका 75 नंबर का। ओके, नाउ अब हम सिलेबस पर बढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें ऊपर यहाँ पर पेपर पैटर्न दिया हुआ है, तो वो पेपर पैटर्न आपका वही पुराना वाला है, सेम फर्स्ट और सेकंड ईयर का जैसा। सिलेबस पर बढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी क्रिस्टल बाइंडिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सेकंड यूनिट है आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थर्ड यूनिट है आपकी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। फोर्थ है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिविटी। ये दो पार्ट हैं यूनिट फोर के अंदर आपके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और सुपर कंडक्टिविटी का। फिर लास्ट इसमें यूनिट फाइव है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके अंदर आपके जो मैग्नेटिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हैं। अब आपको यदि इन सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर के नोट्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो नोट्स यदि आपको लेने हो तो नोट्स भी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। नाउ पेपर सेकंड है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट जो आपकी है वो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें जो भी आपके दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं इस यूनिट फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिलेबस का, ताकि आप एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट सेकंड है आपकी न्यूक्लियर फिजन। यूनिट थर्ड है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, सेकंड यूनिट थी न्यूक्लियर फिजन और थर्ड यूनिट है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें आपका एक पार्ट और है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। न्यूक्लियर फ्यूज़न वाला पार्ट अलग है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाला पार्ट अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फ्यूज़न अलग चैप्टर है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स अलग चैप्टर है। कुछ यूनिवर्सिटी में दो चैप्टर अलग अलग कंबाइन होकर एक ही यूनिट के अंदर है। ठीक है, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी नोट्स मैंने सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड किए हुए हैं, सेपरेटली नोट्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, फिर है यूनिट फोर आपकी एसिलेटर। यूनिट फाइव है आपकी पार्टिकल एंड रेडिएशन डिटेक्टर्स और कॉस्मिक रेस वाली, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट आपका पेपर थ्री है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें भी वही पेपर पैटर्न सेम रहेगा तीनों पेपरों में। यूनिट फर्स्ट है इसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये जो यूनिट फर्स्ट है आपकी क्वांटम थ्योरी वाली, ये बिल्कुल सेम आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है उसमें एक यूनिट है क्वांटम के नेम से, तो वो वाली यूनिट और ये वाला चैप्टर आपका सेम है, तो एक चैप्टर का आपको कॉमन फ़ायदा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सेकंड इसमें यूनिट है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग केसेस में इक्वेशंस निकालनी होंगी श्रोडिंगर वेव की, और ये बहुत ही डेरिवेशन वाला पार्ट है, जो डेरिवेशन वाला चैप्टर है, इसलिए यूनिट सेकेंड और यूनिट थ्री आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। दोनों ही फुल ऑफ डेरिवेशंस है। इसके सारे प्रॉपर नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने सारे डेरिवेशन किए हुए हैं नोट्स में। यूनिट थ्री आपके सिंपल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, अलग अलग केसेस में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने होंगे। फिर यूनिट फोर है आपकी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, यहाँ पर आप इसके टॉपिक्स देख सकते हैं। और यूनिट फाइव में आपके दो पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं फिजिक्स प्रैक्टिकल। आपके थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। अब आपके कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल्स करवाएं या ना करवाएं, इनमें से कितने करवाते हैं वो उनके वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है। बट यदि आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ से सारे टॉपिक्स के
स्क्रीनशॉट लेकर एक एक टॉपिक को यदि यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको हर टॉपिक पर वीडियोस तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि लगभग सारे ही एक्सपेरिमेंट्स कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो कर ही रखे हैं और उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो यदि आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और फिर एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल्स तो आपको कॉलेज वाले करवाने से रहे। बाकी आपका एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी जो रिकॉर्ड के रूप में, तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल का PDF भी मैंने मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। उसकी एक वीडियो बना रखी है मैंने फिजिक्स थर्ड ईयर प्रैक्टिकल फाइल की, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यदि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है तो आप वहां से देखकर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम का पूरा सिलेबस, प्रैक्टिकल फाइल का सिलेबस, ठीक है। नाउ हिंदी मीडियम का सिलेबस दिखाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है। तो यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आप अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़े। नाउ अब मैं वही सिलेबस BSc थर्ड ईयर फिजिक्स का हिंदी में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। वही आपके तीन पेपर हैं। पहला पेपर है आपका ठोस अवस्था भौतिकी। यहाँ पर ऊपर पेपर पैटर्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर पैटर्न सेम रहेगा, क्योंकि सेम पेपर आता है। पेपर पैटर्न आपका वही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जैसे आप पेपर देकर आए हैं वही पेपर पैटर्न रहेगा। तो थर्ड ईयर में मैं सिलेबस दिखा रही हूँ, ओनली पेपर पैटर्न नहीं बता रही, ठीक है। यदि आपको फिर भी पेपर पैटर्न जानना है तो उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नाउ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हम सिलेबस देखें। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल बंधन एवं क्रिस्टल संरचना, जिसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। फिर यूनिट टू है आपकी ठोसों के ऊष्णीय गुणधर्म। यूनिट थ्री है आपके ठोसों के बैंड सिद्धांत। यूनिट फोर आपकी विद्युतीय चालकता और अति चालकता। यूनिट फोर के अंदर आपके दो पार्ट हैं और इन दोनों ही पार्ट के सेपरेट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। यूनिट फाइव आपकी है चुंबकीय गुणधर्म, ठीक है। यहाँ से आप इसके सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी चैप्टर के किसी भी पेपर के नोट्स चाहिए तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। सेकंड पेपर है आपका नाभिकीय भौतिकी, जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है नाभिकीय गुण, सेकेंड यूनिट है नाभिकीय विखंडन, थर्ड यूनिट के अंदर आपके दो पार्ट हैं नाभिकीय संलयन और मूलभूत कण। अब देखो यूनिट सेकंड हो गई नाभिकीय विखंडन, यूनिट थ्री हो गई नाभिकीय संलयन। अब कुछ यूनिवर्सिटी में तो ये जो नाभिकीय संलयन है ये अलग से एक ही यूनिट है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में इसके साथ एक और चैप्टर कंबाइन होकर दोनों मिला के एक यूनिट बनती है। तो दोनों के ही अलग अलग सेपरेट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं। यूनिट फोर है कण त्वरित्र एसिलेटर वाली। ये बहुत ही मतलब एक बार यदि आपने अच्छे से समझ लिया ना ये यूनिट फोर को तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, इजी यूनिट है ये। यूनिट फाइव है आपकी कण एवं विकिरण संसूचक और ब्रह्मांड किरणें यानी कॉस्मिक रेस, ठीक है। ये हो गया आपका पूरी पांचों यूनिट का सिलेबस। नाउ नेक्स्ट इसमें अब पेपर आता है अपना पेपर थ्री प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो यूनिट्स हैं इसके सिलेबस हैं वो देख लीजिए आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको एक ही चैनल पर सारे जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं वो नहीं मिल रहे तो आप एक एक टॉपिक को सर्च करके पढ़िए, जिससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी क्वांटम सिद्धांत के प्रायोगिक प्रमाण। यूनिट सेकेंड हो गई आपकी श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी। यूनिट थ्री है आपकी श्रोडिंगर समीकरण के सरल हल। और ये है फिर आपकी यूनिट फोर और यूनिट फाइव। यूनिट फोर आपकी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम और यूनिट फाइव आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको आपके BSc थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर क्वांटम के पेपर में पढ़ने हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ, कि जो आपका थर्ड ईयर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिकल्स करने हैं। अब देखो कॉलेज वाले क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते, उससे आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि
आपके जो फिजिक्स के सिलेबस में थर्ड ईयर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। अब यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आपको एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके देखना होगा। कॉलेज में सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते जिनसे आपको वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करवा सके, लेकिन यदि आपको आपके अकॉर्डिंग यदि प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ, इनको सर्च करके कम से कम एटलीस्ट आप कर नहीं सकते तो देख तो सकते हो यूट्यूब पर कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल्स होते कैसे हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। देखो हिंदी में जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, वहाँ कहीं कहीं ये शब्दों में टाइपिंग मिस्टेक है, बीच में आप देख सकते हैं ये सही से नहीं लिखा हुआ है, तो इनको आप इंग्लिश मीडियम का जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था वहाँ से देख लीजिएगा इन टॉपिक्स को, जहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, जहाँ पर वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे उनको आप इंग्लिश मीडियम के सिलेबस से देख लीजिएगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। बाकी जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी के अंदर सेम रहता है, क्योंकि चैप्टर का आप नेम देखोगे तो जो चैप्टर होगा उसके अंदर के टॉपिक्स तो वही रहने वाले हैं, केवल दो चार टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, बाकी 80% सिलेबस आपका सेम ही है। तो ये नोट्स सभी के लिए हेल्पफुल है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।